को अगर आनंद जी ये बात अगर मैंने नहीं बताई तो ये नाइंसाफी होगी। पिछले 7 घंटे से अनंत अंबानी हमारे साथ है, हम पूरे इलाके में घूम रहे हैं। इनफैक्ट अभी तो हमने आनंद जी खुद बता रहे हैं कि 40% ही घूमा है। कितना बड़ा ये इलाका है, यहाँ हमने कितने आप जानवर लेकर आए हैं, कितनों को बचाया आपने? अभी तक हमने ये 2,000 से 2,500 एकड़ में बनाया है रेस्क्यू सेंटर। यहाँ का हॉस्पिटल जो है इसमें 6 सर्जरी सेंटर्स हैं, इन पेशेंट वार्ड है, आउट पेशेंट वार्ड है, MRI मशीन है जो मेरे हिसाब से इंडिया में एक ही है, CT स्कैन है जानवरों के लिए, रोबोटिक सर्जरी मशीन्स है, लैब है जिसमें 100 से ज़्यादा वैज्ञानिक काम करते हैं और लैबोरेटरी स्पेशलिस्ट भी यहाँ काम करते हैं। मतलब वो सुविधाएं ऐसी हैं कि आप किसी शानदार 5 स्टार जो जो ह्यूमन बीइंग्स के हॉस्पिटल होते हैं वो भी कम पड़ जाएंगे। मैं सच बता रही हूँ, इतनी शानदार यहाँ पर सुविधा है। लेकिन कितने जंगली जानवरों को आपने रेस्क्यू किया है? अब तक हमने यहाँ 25,000 से ज़्यादा जंगली जानवरों को रेस्क्यू किया गया है और हमें बहुत सारे जानवरों का ध्यान भी रखा गया है। हम यहाँ से टीम्स पूरे भारत में सब जगह भिजवाए, जूज में भिजवाए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, बहुत सारे अलग अलग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का हमने मदद की, उन्होंने भी हमें बहुत सपोर्ट किया और मैं देश के हर एक फॉरेस्ट अधिकारी, उनके कर्मचारी से अधिकारी सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उनके कारण हमारे जंगल बचे हुए हैं। अनंत जी, मैं ये सोच रही हूँ कि आपकी उम्र के जो नौजवान हैं उनका पैशन, उनका शौक वो बहुत अलहदा होता है। मतलब किसी को कार रेसिंग पसंद है, किसी को अलग अलग डेस्टिनेशन पर जाकर अपना अपना सब कुछ बसाना पसंद है। आप जामनगर आ गए, मैं जामनगर में ही, आप लोगों के साथ कम और जानवरों के रेस्क्यू मेरा हैं। जान जानवर ही है, मैं जानवर के लिए ही जीता हूँ। और ये मैं कुछ भी हो जाए, दिन में 2 घंटा मैं जानवर, रोज हर दिन 2 घंटा जानवरों के लिए मैं काम करता हूँ और मैं यही सोचता हूँ कि मैं कितने जानवर को दिन में बचा सकता हूँ। मैं सोचता हूँ आज कितना का मैंने भला किया और मैं कितने का भला कर सकता हूँ और इससे मुझे अच्छे से नींद आ जाती है, तो मेरा अच्छा से नींद। और मैं ऐसे तो मैंने ये काम शुरू किया 8, अभी मैं 28 साल का हूँ, मैंने 8 साल की उम्र से ही ये काम चालू कर दिया था और स्कूल से छुट्टा था तो मैं इधर ही करता था। और जो मेरे दोस्त है वो भी जानवर प्रेमी है और मेरी जो अभी होने वाली पत्नी राधिका, आपको बहुत भगवान सारी का है मुबारकबाद सबसे पहले जी तो। और आप तो शादी भी जामनगर में ही कर रहे जी हैं, तो पूरी दुनिया को आप यहाँ पर इकट्ठा कर रहे मेरे हैं। दादी जामनगर के हैं, मेरे दादी जामनगर के रहवासी है और मैं शादी इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि उनका घर यहाँ है और हमारा भी, हम गुजरात के हैं, महाराष्ट्र भी, तो हम, ये तो प्री वेडिंग यहाँ हो रहा है, शादी तो मुंबई में होगा, प्री वेडिंग यहाँ है और ये हमारा घर है, तो और हम यहाँ ही घर में ही शादी के, जामनगर के वासी के साथ, हमारे बहुत सारे जो मेरे कलीग्स हैं उनके साथ शादी प्री वेडिंग करेंगे तो अलग ही मजा होगा। तो आपकी होने वाली धर्मपत्नी आपके इस प्रोजेक्ट को कितना सराहती है, कितना उनका योगदान है, वो क्या कहती हैं? वो भी एक बहुत बड़े जानवर प्रेमी है और वो कभी भी ये नहीं बोलती है कि आप, क्योंकि बहुत समय, मेरे पास समय ही नहीं बचता है, काम के बाद मैं इस पर लगा रहता हूँ तो इस पर लगा, तो वो साथ साथ में मुझे मदद करते हैं। अगर कोई जानवर बीमार है तो हमारे जो वैद, जो हमारे पशु वैद है उनसे बात करना, कभी कभी अगर मैं अवेलेबल नहीं रहता हूँ या मैं मौजूद नहीं रहता हूँ यहाँ, तो वो खुद पशु वैद से बात कर लेते हैं, वो खुद हमारे जो ट्रस्ट के मैनेजर्स हैं उनसे बात करके फीडबैक लेते हैं और वो खुद, कोई कोई हाथी है जो उनको आवाज़ से पहचानते हैं, हमने बहुत सारे हाथी रेस्क्यू किए हैं साथ में और बहुत सारे हाथी राधिका को आवाज़ से पहचानते हैं। और उससे ज़्यादा मेरी जो मम्मी है वो मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा रही है, मम्मी ने बचपन से ही मुझे सिखाया और वो खुद, मतलब मम्मी ने हमें जब कबूतर मांझा से कट जाते थे तो मम्मी, जब हम छोटे थे मम्मी उनको घर पे लाते थे, मम्मी पालते थे, उनका पोषण करते थे। मम्मी ने घर पे एक बाज का बच्चा जब छोटा था, गिर गया था झाड़ से, उसको भी बड़ा किया और छोड़ा। मम्मी ने हमें नीचे घर पे, हमारे बहुत बिल्ली होते थे, उनके रोज दूध, हम सब बच्चे लोग, मैं, मेरे भाई, मेरे बहन सब दूध लेकर जाते थे, तो हमारा दुनिया ही जानवर, इसके लिए हम हमारे दुनिया में मस्त है, इसलिए हमें और कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। और काम तो काम होता रहेगा, दुनिया चलती रहेगी, पर जानवर के लिए हम, ये एक
हमें प्रेरणा मिलती है सब मम्मी से और सबसे कि हम जानवर के और काम करें। ये तो आपको मैं अभी भी बोला, जो आप देखा ये तो खाली एक छोटी सी झांकी है। मतलब एक तो हमने आपने जो गजराज और देखिए साक्षात गणेश जी जो हैं उनकी मूर्ति आपने यहाँ पर स्थापित की हुई है, सैकड़ों हाथी जो हैं आपने रेस्क्यू किए हैं, आप अलग अलग इलाकों से रेस्क्यू करके वाइल्ड कैट्स को भी लेकर आए हैं। इनफैक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी प्रोजेक्ट टाइगर को ले लीजिए, जो कीनिया से चीता लाए गए थे उनको। प्रधानमंत्री तो हम सबके लिए बहुत बड़ा एक प्रेरणा है। प्रधानमंत्री ने जो भारत के लिए किया है और जो वाइल्ड लाइफ के विषय में किया है, मैं मानता हूँ कि उन्होंने एक बहुत बड़ी काम किया है कि चीता प्रोजेक्ट को सफल किया, प्रोजेक्ट लायन जो गिर में है जो एकदम दुर्लभ है उनके कारण सफल, उन्होंने ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ाया था और हम सब उनसे प्रेरणा लेते हैं। अगर हम उनका 0.5% भी जानवर के लिए करें हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। वो तो बहुत बड़ी सोच रखते हैं, कर सकते हैं। हम भी जितना हमारे से होता है हम जानवर के लिए करते हैं और उनका जो उनसे जो प्रेरणा मिलती है वो कुछ अलग ही महसूस होता है, एक अलग ही पावर आ जाता है कि हम और कुछ करें। जब भी हम उनको टीवी पे सुनते कि प्रोजेक्ट लाइन है, जब वो चीता आए तो बहुत खुशी हुई।